हेलो गाइस, क्या कह रहे हो लड़के? तीन बच्चों के ऐसे हो गए ब्लॉगिंग? ऐसे आएंगे डेली ब्लॉग? यार आज की रूटीन बहुत ही ज़्यादा स्लो है। मैं उठा ही 1 बजे हूँ, उसके बाद मेरा काम पे जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, तो मैंने कहा यार काम पे जाने के क्या फ़ायदा, 1 बजे जाऊँगा, काम भी इतना खास नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा पीक आवर जो होते हैं वो 11 से लेके ऑलमोस्ट 2 बजे तक होते हैं, तो इसलिए मैं लेट हो चुका हूँ। अभी जाए के लेंगे थोड़ी सब्ज़ी मार्केट से, तो देखते हैं उसके बाद क्या करना है, पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। चलो बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस, wake up, I'm not ready, let me have another day, don't wake up, keep it steady. आज भाई ने स्टार्ट ही बहुत ज्यादा लेट लिया है, बहुत ज्यादा लेट स्टार्ट किया है व्लॉग। यहाँ पे जाके हम लोग सब्जी लेंगे क्योंकि सब्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी है घर में, और मैंने कहा चलो भाई साहब सब्जी ले लेते हैं, साथ में कुछ ब्रेड्स भी लेने हैं क्योंकि मुझे भूख लग रही है। नाश्ता मैंने सीधी बात अभी तक नहीं किया। उठा ही भाई साहब 1 बजे हूँ और अभी 3 बज रहे हैं, फिर बेड पे लेटा रहा यार। सुस्ती करने से ना सुस्ती ठीक नहीं होती, इंसान खराब हो जाता है। ये है मैक्सिमस केक, यहाँ से लेंगे ब्रेड खाने के लिए। यार ये चेक करो कितने प्यारे इन्होंने केक सजाए हुए, ये देखो ये केक, ये पूरा मैंगो केक है और ये फ्रूट्स केक, मतलब कितने मजा कर रहे हैं। ये देखो कोकोनट, ये कोकोनट केक है, कमाल के केक बड़े हैं भाई साहब। भूख लग गई है मुझे, हमने ले लिए हैं बहुत सारे केक जो कि मैं अभी खाऊंगा क्योंकि मैं भुक्कड़ हुआ हूँ बहुत ज्यादा, नाश्ता नहीं किया भाई। All things must pass, but I'm not gonna wake up, wake up, I'm not ready, let me have another day, don't wake up, wake up, keep it steady, cause I'm happy, I'm not gonna... अभी आ चुके हैं टोक्यो बेकरी, यहाँ से पेस्ट्रीज लेंगे क्योंकि इसकी पेस्ट्रीज बहुत ज्यादा प्यारी होती है। ये कुछ केक पड़े हुए हैं, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा प्यारे केक पड़े हुए हैं, वहाँ भी अच्छे पड़े हुए थे। यार इसकी डेकोरेशन देखो, मेरा हैप्पी बर्थडे अभी नहीं आया, जल्दी आने वाला है। यहाँ पे इसलिए पेस्ट्रियाँ लेंगे सिर्फ। ये क्या है? हेलो हम आ चुके हैं मार्केट में, यहाँ से लेंगे थोड़ी सी सलाद और सब्जी, सैलेड और सब्जी लेंगे थोड़ी सी, यार फ्रूट्स आज लेने का दिल नहीं है। Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that, I figured why we fool around so little, and we keep track of time, being so serious, idiots, thinking it will matter, keep me company downtown, before the clock runs out. Sun is shining but the rain is welcome too, friends are nearby, don't need another view, time is not on my mind but then it's you, oh I love it. सब्जी हमने ले ली है, अभी जा रहे हैं घर की तरफ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, शाम होने वाली है। अगर मैं बात करूं वक्त की तो यहाँ पे वक्त के गुजरने का एहसास बिल्कुल नहीं होता। आप इसे कंट्री कहो या शहर कहो, कुछ भी कहो, ये 24 घंटे जिंदा रहता है। कब रात हुई है, कब दिन हुआ है, कोई पता नहीं चलता, इसलिए टाइमिंग का आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब देखो मैं 1 बजे उठा हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि 1 बजे उठा हूँ। अगर आपके दिन की शुरुआत ही लेट होती है तो आप व्लॉग में क्या बनाओगे, क्योंकि व्लॉग बनाने के लिए चाहिए होता है टाइम। इतना आसान नहीं है, लोगों को लगता है यार बहुत ज़्यादा आसान है ये काम भी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, जो करते हैं उनको पता है। अगर मैं बात करूं यहाँ की रिहाइश के बारे में, मतलब यहाँ का रहन सहन बताऊं आपको, तो ये देखो यार ये बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे जो लोग रहते हैं, ये देखो इन बिल्डिंग्स को देखो, सिर्फ 40-40, 50-50 मंजिला बिल्डिंग्स हैं, और यहाँ पे फ्लैट देखो, आपको एसी देख के अंदाज़ा हो रहा है कि कितने लोग एक बिल्डिंग में रहते होंगे। छोटा सा मुल्क है ये यार, छोटा सा मुल्क कह लो, सिटी कह लो, छोटी सी जगह है, ऑलमोस्ट 1 करोड़ के करीब बंदे रहते हैं यहाँ पर, ऑलमोस्ट इतनी छोटी सी जगह पे तो ऐसे रहते हैं भाई साहब। बिल्डिंग्स देख लो, एक बिल्डिंग में ऑलमोस्ट 4-5 हज़ार बंदा, तो मैक्सिमम मैं एम ही बता रहा हूँ, लो लिमिट रहता ही होगा यहाँ पर। और यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी की बात करो तो वो तो भाई साहब आसमानों पे है। मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो महंगी प्रॉपर्टीज होती है ना, छोटे छोटे फ्लैट होते हैं, उनके जो आप अमाउंट देखोगे ना, $5 मिलियन, $6 मिलियन, तो बंदा यार कहता है यार जगह जैसी जगह नहीं है और इतने ज़्यादा पैसे। दिल्ली का हो या लाहौर का हो, उससे भी छोटी जगह ही है, ऑलमोस्ट इसका एरिया उन दोनों से छोटा है, और 1 करोड़ की आबादी ज्यादती है कि नहीं है। और अभी जो आपने बिल्डिंग देखी है, ये मैंने आपको जो बताई है, ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग है,
अगर आप यहाँ पे रहते हो तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको बताया कि भाई साहब गवर्नमेंट की बिल्डिंग लेने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप आज अप्लाई करते हो गवर्नमेंट हाउस के लिए, क्योंकि प्राइवेट हाउस का रेंट बहुत ज़्यादा है, छोटे से घर की जो मैं कीमत बोलूँ आपको रेंट, तो वो 8,000 से 10,000 डॉलर तक होता है। अगर गवर्नमेंट का हाउस लेते हो आप लोग तो उसका मैक्सिमम किराया 3,000 से 4,000 डॉलर होता है। और अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 7 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कहीं जाके गवर्नमेंट हाउस मिलेगा। तो यहाँ पे रहते हैं उनको इसकी अहमियत बहुत अच्छे से पता है। आज के दिन मैं काम पे नहीं गया, लेकिन मैं हो सकता है कल भी मैं काम पे ना जाऊँ, तो मैं जाऊँगा सैटरडे संडे को, 2 दिन जाऊँगा लगातार काम पे। आपको वो वाली वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि सैटरडे संडे मुझे लगता है वीकेंड होगा और ऑर्डर बहुत ज़्यादा होंगे, तो मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कितने कमा सकता हूँ यार उसमें। ऑलमोस्ट मेरा दिल है कि मैं 9 से 10 घंटे काम करूँ। 9 से 10 घंटे मैं आपको बताऊँगा कि कैसी होती है एक फूड डिलीवरी बॉय की लाइफ और वो कितना कमा सकता है यहाँ पर। आप पार्ट टाइम जॉब, मैंने आपको पहले ही बोला, पार्ट टाइम जॉब भी आप कर सकते हो और साथ में आप अगर फुल टाइम करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ऑप्शंस भी आपके पास बहुत हैं। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा सिंपल है, इतना ज़्यादा मैं खास घूमा भी नहीं हूँ, बस थोड़ी सी चीज़ें लेने के लिए गया था तो वो ली हैं, उसके बाद मैं आ गया वापस। टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, ऑलमोस्ट अभी 4:30 हो रहे हैं या 5 होने वाले हैं, शाम होने वाली है, तो इसलिए मेरे पास कुछ ज़्यादा था नहीं करने को, इसलिए मैं सोचा यार आज व्लॉग तो बनाना ही बनाना है मतलब। और हाँ, मेरा प्लान बन रहा है दोस्तों के साथ, हो सकता है अगला जो हम, हो सकता है कल चले जाएं या मंडे को चले जाएं। हमने जाना है एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है, वो आपको भी साथ लेके जाऊंगा, डोंट वरी यार, मतलब व्लॉग तो रोज़ ही आएंगे तो आप तो साथ ही साथ हो। वहाँ पे जाएंगे हम लोग, थोड़ी सी मस्ती करेंगे, थोड़ा सा व्लॉग बनाएंगे, लेकिन आज नहीं, आज तो भाई के पास टाइम ही नहीं है, सैड लाइफ। तो क्या कह रहे हो लड़के, मतलब इतना सिंपल, सिंपल इसलिए है क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ यहाँ पे लगा हुआ है लॉकडाउन। लॉकडाउन जहाँ पे लगा होता है तो वहाँ पे कोई भी जगह ओपन, इनफैक्ट यहाँ तक प्लेग्राउंड भी बंद है। मैं आपको अभी बताता हूँ, प्लेग्राउंड जो वहाँ पे हम जहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं या बास्केटबॉल खेलते हैं वो भी यहाँ पे बंद है। मतलब इतना क्या यार, मुझे नहीं पता किसी और कंट्रीज में इतनी ज़्यादा बैन है कि नहीं है, यहाँ पे बहुत है भाई, इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि ज़िंदगी अजाब हो जाती है। ये देखो भाई साहब, मैंने जैसे कि आपको बताया था ये प्लेग्राउंड है, आप किसी प्लेग्राउंड में चले जाओगे यहाँ पे सब कुछ बंद है, प्लेग्राउंड्स, पार्क्स, स्पोर्ट्स ग्राउंड कह लो, सब कुछ बंद है। तो व्लॉग सिंपल होने की ये आपको एक मेन वजह मैं ये बता सकता हूँ, ये व्लॉग भी और ज़्यादा अच्छा हो सकता था, लेकिन कैसे, सब कुछ तो बंद। और यार ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सिंपल व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मजबूरी को समझो भाई की, यार लेट हो गया भाई, लेकिन भाई ने व्लॉग नहीं छोड़ा, व्लॉग आएगा, लेट हो भी जाए लेकिन व्लॉग आएगा, सिंपल है लेकिन आया तो है ना यार, एफर्ट तो किए भाई ने कम से कम। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कि कल, और कल मैं बाहर जाऊंगा, कल भी हो सकता है मैं काम पे नहीं जाऊं, लेकिन कल मैं बाहर जाऊंगा, किसी ना किसी अच्छी जगह ही जाऊंगा, सुबह जल्दी उठेंगे है ना, तो मिलता हूँ कल यार, बाय।